हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक सेट ऑफ नंबर्स है, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स पढ़े हुए हैं। वो डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स होते हैं। आप लोगों ने उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे ऑपरेशन सीखे हुए हैं। उनके आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनवर्स क्या होते हैं, ये सब छोटी क्लासेस में सीखा था। ऐसे ही अब हम मैट्रिसेस, एक नया सेट सीखेंगे जिसके अंदर हम उसके ऑपरेशंस भी सीखेंगे, जो कि आपको हायर क्लासेस में बाद में काम आएंगे कि हम इनको यूज कहाँ करते हैं मैट्रिसेस को। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, नंबर्स का अरेंजमेंट। जैसे अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। एरे का मतलब है अरेंजमेंट, ठीक है? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक टू डायमेंशनल स्पेस है आपका, जिसमें हम लेंथ और ब्रेथ बताते हैं। तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, दो पैरामीटर्स के हिसाब से मेजर करते हैं। वन इज नंबर ऑफ रोज एंड द अदर इज नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए, -1, 5, 3, ठीक है? अब ये मैंने कुछ एलिमेंट्स को रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज कर दिया। तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे, ये एक मैट्रिक्स बन गया, राइट? तो मैट्रिक्स जो होता है वो यही एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, ठीक है? बट हम उसको स्टडी कैसे करते हैं, कैसे डील करते हैं एक मैट्रिक्स को? क्योंकि मैट्रिक्स छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी साइज का मैट्रिक्स आप फॉर्म कर सकते हो। जब आप बड़ी क्लासेस में इसको यूज करोगे तो उसमें आप देखोगे हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स के बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस को यूज करेंगे। तो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स को हैंडल करना होता है मैट्रिसेस में, तो हमें उसको यूज कैसे करना है, इतने सारे एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करेंगे कि कोई एलिमेंट कहाँ पर है, ठीक है? तो आप ये देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। तो आप ये देखो, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, ये 1, 2, 3, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रोज बोलते हैं, ठीक है? रोज बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। तो जो ए मैट्रिक्स ये है, या हम इसको बी डिनोट कर देते हैं, ये बी मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज है, ठीक है? और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में 2 वर्टिकल लाइंस हैं, इसका मतलब इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो अब अगर हमें किसी एलिमेंट तक पहुंचना है, तो जैसे हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे मैट्रिक्स पे ध्यान दो, किसी भी एलिमेंट को आप उसके रो और कॉलम के एड्रेस से डिनोट करोगे, राइट? तो हमें जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको हम ए आई जे से लिखते हैं, ए आई जे, ठीक है? हम यहां से देखते हैं, ये देखो, ये एक जनरल मैट्रिक्स है, ठीक है? जनरल मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है उसमें हम कितने भी एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। लाइक इसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं, आप ध्यान से देखो, इसमें 1, 1, 2, ये जो फर्स्ट रो है आपका, इसमें आपका 1, 2 करते करते आपके फर्स्ट रो में n नंबर तक के हमने ले लिया यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 1, 2, 3 कितने रोज हैं? m रोज हैं। आप इसमें 3, 4, 5 जितने भी आप रोज देना चाहते हो, m रोज तक आप इसको
एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए। तो एम रोज का मैट्रिक्स है ये, राइट। अगर आप वर्टिकल कॉलम्स देखते हो तो दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, आप ध्यान देना इसके सेकेंड नंबर चेंज हो रहा है ये वाला, तो ये सेकेंड कॉलम है। ऐसे करते करते एन कॉलम्स तक आपने इसको एक्सटेंड करा, तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया जिसमें आपके एम रोज हैं एंड एन कॉलम्स हैं, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ए इज ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक स्क्वायर ब्रैकेट है, जैसे हम कैमरा में अगर किसी पिक्चर को जूम करते हैं तो हम उसको लेंस को उसे स्नैच करते हैं, उसे ड्रैग करते हैं, तो वो लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज एक्सपैंड हो जाती है पिक्चर। ऐसे ही आप, ये इसका लेंस होगा, आप इसको जितना एक्सपैंड करोगे उतना ये बड़ा हो जाएगा मैट्रिक्स। आप अपनी मर्जी से इसमें कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स बीच में डाल सकते हो, उससे आपका मैट्रिक्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये तो आपका जो बाहर लिखा जाता है ये आपका मैक्सिमम, जितना आपका, जैसे यहाँ पे एम रोज है, एम रोज है तो आपने एम रोज डिनोट कर दिए, और कॉलम्स कितने हैं, एन कॉलम्स हैं, तो आपने कॉलम्स को बाद में डिनोट करा। तो किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो मैट्रिक्स के बाहर ये लिखा जाता है एम क्रॉस एन, ये उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका पूरा साइज और ऑर्डर मेंशन करना होता है। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स इज गिवन एज एम क्रॉस एन, यानी कि रोज का नंबर पहले लिखा जाएगा, कॉलम्स का नंबर बाद में। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है और जैसे मैंने उसको लिखा ए आई जे एम क्रॉस एन, तो इसका मतलब एम क्रॉस एन का मतलब हुआ कि वो उसमें एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ए इज ए आई जे टू क्रॉस थ्री, ठीक है, टू क्रॉस थ्री है। तो अब मैं इसको जूम करूंगी तो ये मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, आप ये देखो ए आई जे टू क्रॉस थ्री, टू का मतलब नंबर ऑफ रोज यहाँ पे टू है, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस टू लेनी है, और कॉलम्स थ्री है तो आपको वर्टिकल लाइंस थ्री लेनी है। तो आप देखो हॉरिजॉन्टल रोज अगर आपको दो लेनी है तो ये वन और टू, ठीक है, और कॉलम्स में आपको थ्री कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, तो ये तो आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, आप यहाँ पे एक और कॉलम ले लो तो वो सेकेंड कॉलम हो गया, और एक और कॉलम इंसर्ट कर दो तो वो थर्ड कॉलम। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रोज टू है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी वो दो ही होंगी, ये आपकी रोज होगी, और वर्टिकल कॉलम्स थ्री है तो वन टू थ्री, थ्री लाइंस आपने वर्टिकली इंसर्ट कर दी। तो ये आपका स्प्रेडशीट बन गया, आपने इसको एक स्पेस बना दिया कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर है टू क्रॉस थ्री, टू क्रॉस थ्री में आपने दो रोज बना दी और थ्री कॉलम्स बना दिए, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स हम इसमें डालने शुरू करते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं ये ए आई जे, स्मॉल ए जो होता है वो आपके एलिमेंट्स को डिनोट करता है। अब आप यहाँ पे एलिमेंट का एड्रेस कैसे देंगे इसके अंदर, ये वाला एलिमेंट जो है आप ध्यान दो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो ये बन गया ए वन वन। जैसे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, ऐसे ही एलिमेंट की एड्रेस में भी पहला रो फिर उसके बाद कॉलम, दिस एलिमेंट विल बी ए वन वन। इसके बाद आप यहाँ पर आओ, दिस इज ए, ये फर्स्ट रो है तो पहला एड्रेस इसका रो का होगा, सेकेंड कॉलम है तो ए वन टू, नेक्स्ट दिस इज ए, फर्स्ट रो है वन और थर्ड कॉलम है ए वन थ्री,
आप लोग जब भी किसी पॉइंट का एड्रेस देते हो तो हमेशा पहले एक्स आता है, बाद में वाई आता है। तो ऐसे यहाँ पे पहले रो आता है, फिर कॉलम आता है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये वाला एलिमेंट जो होगा, दिस इज इन सेकेंड रो, तो इसका पहला वाला एड्रेस एक्स वाले जगह पे हम टू डालेंगे, और दिस इज फर्स्ट कॉलम, तो ए टू वन। ये ए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ए टू टू, ये वाला एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये आपने मैट्रिक्स को बिछा दिया और उसके अंदर एलिमेंट्स को हमने सेट कर दिया। ये जो अरेंजमेंट होता है ये मैट्रिक्स फॉर्म करना होता है, ठीक है। और ये हमें पता होता है कि अगर इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हमें इतने रोज डालने हैं, इतने कॉलम्स डालने हैं, और उसी हिसाब से हमने उन एलिमेंट्स को वहां पे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज गिवन एज m क्रॉस n, ठीक है। m क्रॉस n का मतलब रोज इनटू कॉलम्स, और इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना होता, क्योंकि हमें जैसे हम लोग किसी रेक्टेंगल में बताते हैं कि रेक्टेंगल का अगर आपने लिखा है 20x15 का एक रूम है, तो इसका मतलब 20 जो है वो लेंथ को डिनोट करता है, 15 ब्रेथ को, ठीक है। तो हम उसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते। ऐसे यहाँ पे भी हम रोज को और कॉलम्स को 2x3, 3x3, 4x2, हम उसको इस फॉर्म में ही लिखते हैं जो हमें ये बता देगा कि ये वाले रोज हैं और ये वाले कॉलम्स हैं। सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, हम मैथमेटिकली किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है ए आई जे, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये i और j उस एलिमेंट का एड्रेस बताएंगे, ठीक है। और ये जो m क्रॉस n है, ये आपके पूरे जो मैट्रिक्स का साइज है वो बता देगा। साइज मैट्रिक्स का या ऑर्डर एक ही बात होती है। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया कि मैट्रिक्स कैसे बनता है और मैट्रिक्स के मेजरमेंट्स या उसका जो अलाइनमेंट होता है वो किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, एलिमेंट्स को एड्रेस कैसे करते हैं, अगर हमें रीड करना होता है तो हम उसका एड्रेस कैसे देखते हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इस चैप्टर में आपको मैट्रिसेस की पहले थ्योरी बहुत सारी करनी होती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट, आप जैसे कोई नया सेट पढ़ रहे हो तो उसके अंदर जब तक उसकी सारी टर्मिनोलॉजी नहीं सीखोगे आप, तो आपको यूजेज में डिफिकल्टी आएगी। तो जितना आप कंफर्टेबल हो जाओगे पहले कि आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अच्छे से सीख लो, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट ज्यादा है, आप इनिशियली इसको देखो। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। वन रो इसका मतलब रो वन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ वन होगी। जैसे आप ये वाला मैट्रिक्स देखो, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आप कितने भी बना सकते हो। इसमें आपके 1, 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स में पहला वाला नंबर रो है तो वो हमेशा 1 ही रहेगा, इनटू यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं तो 1x3। तो रो मैट्रिक्स में आप हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही रखोगे, कॉलम्स आप कितने भी एडजस्ट कर सकते हो। लाइक आप एक और बना के देखो, यहाँ पे सी इज अ मैट्रिक्स 2, -1, 5, 8, 6। ये एक और रो मैट्रिक्स है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक है, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1x5, राइट। तो रो मैट्रिक्स में हमेशा एक ही रो रहेगा, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम अब आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, जैसे रो में हमने सिर्फ एक रो लिया था, कॉलम्स कितने भी होते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, यानी कि वर्टिकल लाइन एक होगी और हॉरिजॉन्टल लाइंस आप कितनी भी ले सकते हो। तो आप ये एग्जांपल देखो, इसमें एक ही वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल लाइन एक ही है, बट रोज इसमें 4 है। अब रोज 4 है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4x1, 4x1 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, कॉलम मैट्रिक्स में जो सेकंड एड्रेस होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट विल ऑलवेज बी 1,
राइट। एक और कॉलम मैट्रिक्स बना के देखो, माइनस थ्री टू, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल कॉलम एक ही है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वन एंड टू। तो एड्रेस में हमेशा पहले रो ही लिखा जाएगा, इसमें दो रोज हैं तो टू बाय वन, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होता है, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, एनी नंबर ऑफ रोज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर, जैसे आपको बताया स्क्वायर क्या होता है, ऐसा फोर साइडेड फिगर जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। चारों साइड्स का मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। तो हमारे पास जो दो डायमेंशंस मैट्रिक्स में होते हैं वो क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि जब किसी मैट्रिक्स में ना रोज और कॉलम्स का नंबर सेम हो जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। A matrix having same number of rows and columns is called a square matrix. अब आप ये देखो, square का मतलब ये 2 by 2 का square का मतलब क्या हुआ, इसमें दो rows हैं और दो ही columns हैं, ठीक है। ये rows दो हो गए और ये columns दो हो गए। तो ये क्योंकि rows और columns दोनों तरीके से बराबर हैं, दोनों साइड से बराबर है ये, तो हम इसको स्क्वायर बोलेंगे। ऐसे ही आप नीचे वाला देखो, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है, तीन रोज है इसमें, तो इसके रोज का नंबर थ्री हो गया और थ्री कॉलम्स है, कॉलम भी थ्री है, तो दोनों नंबर सेम है, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे आप जितने भी टॉपिक्स अभी पढ़ोगे, जितने भी स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ोगे, वो सब मैक्सिमम एक मैट्रिक्स के स्क्वायर होने के बाद ही बनेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ, डायगोनल हम किसको बोलते हैं, अलाइन सेगमेंट दैट जॉइन ऑपोजिट वर्टिसेस, ठीक है। तो डायगोनल होने के लिए, डायगोनल होने के लिए एक मैट्रिक्स को सबसे पहले स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है, स्क्वायर होना जरूरी है। अब स्क्वायर कैसे होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो, रोज और कॉलम्स अगर इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अभी हमने ये पीछे पढ़ा। अब इसको डायगोनल कैसे बनाना है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ये जीरो होंगे, तो इनको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल। आप ये देखो कि अगर मैं कोई ऐसा मैट्रिक्स बना दूं, टू जीरो वन थ्री वन फाइव, तो इसमें हमारा डायगोनल बन ही नहीं सकता क्योंकि अगर हम बीच में से आ रहे हैं तो एक एक रो या एलिमेंट को छोड़ते हुए आ रहे हैं, आप टू और फाइव को ज्वाइन कर रहे हो तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, बीच में से एक ये वाली कॉलम का हमने कोई एलिमेंट नहीं लिया तो ये डायगोनल नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये जो पहली रिक्वायरमेंट होती है डायगोनल मैट्रिक्स की, वो ये होती है कि आपको इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप एग्जैक्टली उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो जो दो ऑपोजिट वर्टिसेस के बीच में लाइन आ रही होती है, ठीक है। तो अब ये देखो, इसके अंदर ये एलिमेंट जीरो होगा, ये एलिमेंट जीरो होगा, राइट। हमें बताना है यहाँ पे कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो जो एलिमेंट्स डायगोनल पे आ रहे हैं, वैसे तो डायगोनल यहाँ पे ये भी होता है, ये वाले डायगोनल में ये भी आएगा लाइन और ये भी आएगा, बट हम इस वाले को अभी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रिंसिपल डायगोनल लेते हैं, ठीक है। ये वाला डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाले एलिमेंट्स को छोड़कर, इसके लिए अभी हमने
उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है कि डायगनल एलिमेंट्स पे क्या होना चाहिए, सिर्फ ये बोला है कि जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। तो आप डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स बचे वो जीरो जीरो होने चाहिए। तो इस लाइन को ज्वाइन करके बाकी आप देखो कि सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे इसको, इन विच नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो, उसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। जैसे अगर आप कोई मैट्रिक्स बना रहे हो, मैं 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाती हूँ, पहले ये भी बताया मैंने आपको कि स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स। तो दिस इज A11, A12, A13, ये हमारी फर्स्ट रो है, तो इसमें सब में पहला नंबर 1 है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 1, 2, 3 कॉलम्स के नंबर चेंज हो गए। दिस इज A21, A22, A23, ये हमारा सेकंड रो है और उसमें 3 है, तो 1, 2, 3 कॉलम्स का नंबर चेंज हो गया। सिमिलरली दिस इज थर्ड रो एंड वी हैव 3 कॉलम्स, सो ए दिस बिकम्स A31, A32, A33। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बना लिया। अब आप इस डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करो, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। आप ये ध्यान से देखो कि I इज इक्वल टू जे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ आई जे 1, 1 है, 2, 2, 3, 3, तो इसका मतलब ये जो आपका लाइन है ये वाला, ये आपका I इज इक्वल टू जे वाला, डायगनल पे I इज इक्वल टू जे होता है। ठीक है, तो इनको छोड़ के जहां जहां पे I और J इक्वल नहीं है वो वाले एलिमेंट्स को आप जीरो डाल दो। तो आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो, ये A11, ठीक है, इसको आप जीरो कर दो बिकॉज आई इज नॉट इक्वल टू जे इन दिस केस। ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, A22 नहीं होगा क्योंकि यहाँ आई और जे इक्वल है, और ये भी जीरो होगा, A23, A31 भी जीरो, ये भी जीरो, बट A33 नहीं होगा क्योंकि जहां जहां आई और जे इक्वल है उसको आप, वो जीरो है या नहीं है वो डिफरेंट बात है, बट जहां पे आई और जे इक्वल नहीं है वो तो फॉर श्योर जीरो है, हमारे डेफिनेशन में यही बोला है उसने। अब आप चाहो तो इसको कोई भी स्केलर यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ -3 दे दो, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, मैं इसको 0 भी डाल सकती हूँ या 5 भी डाल सकती हूँ, यहाँ पे 0 आ भी सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 6 डाल रही हूँ, तो ये आपका एक डायगनल मेट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो डायगनल मैट्रिक्स में आपका डायगनल को छोड़कर बाकी जो वैल्यूज हैं वो जीरो होती है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अभी आपने देखा कि अगर हमें डायगनल मैट्रिक्स बनाना है तो पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, तो अब स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी एक स्क्वायर से ही बनेगा। हमने पीछे स्क्वायर को स्पेशलाइजेशन के साथ डायगनल बनाया, अब मैं डायगनल मैट्रिक्स के भी स्पेशलाइज्ड मैट्रिक्स बना देती हूँ जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि डायगनल एलिमेंट्स जब नॉन जीरो होते हैं, ठीक है, तो वो डायगनल मैट्रिक्स होता है। हमने पीछे वाली स्लाइड में हमने क्या किया था, यहाँ पे अलग अलग नंबर लिए थे, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, और उनमें से कोई 2 सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर यही उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएं डायगनल पे, है ये एक तरीके का डायगनल मैट्रिक्स ही, डायगनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर अ फिक्स्ड कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो डायगनल हो गया तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो है। तो आप यहां देखो ये नॉन डायगनल एलिमेंट्स, ये 6 एलिमेंट्स आपके जीरो हो गए। अब ये 3 बचे आपके डायगनल पे, ये 3 के 3 एक फिक्स्ड कांस्टेंट होंगे यानी कि सेम नंबर आएगा इनके ऊपर, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। ये वाला देखो, यहाँ पे भी ये नॉन डायगनल एलिमेंट्स हमने जीरो ले लिए, अब जो ये डायगनल है उस पे अगर दोनों एलिमेंट्स सेम है
तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का डायगनल मैट्रिक्स का स्पेशलाइजेशन है। व्हेन वी हैव ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आइडेंटिकल एज अ फिक्स्ड कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अभी हमने देखा कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि डायगनल एलिमेंट्स पे एक फिक्स्ड कांस्टेंट आ गया था, ठीक है, और बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट्स आपके जीरो हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगनल मैट्रिक्स का ही स्पेशलाइजेशन है। डायगनल का मतलब एक तो वो स्क्वायर होगा और उसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो हैं और स्केलर वाले में हमने यहाँ पे कोई भी नंबर डाला था, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम ये डायगनल एलिमेंट्स पे सिर्फ वन वन देंगे। दिस इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक तो ये स्क्वायर है, ये 2 by 2 का स्क्वायर है, ये 3 by 3 का स्क्वायर है। दूसरा, ये डायगनल मैट्रिक्स है तो सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो फॉर श्योर। अब इसके बाद इसमें जो डायगनल एलिमेंट्स हैं, अगर हम इसको फिक्स कर दें वन, सारे डायगनल एलिमेंट्स जब वन हो जाते हैं तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत काम का है, ये वाले आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको जगह जगह पे I2 लिखा जाएगा, ठीक है, और इसको I3 लिखा जाएगा। 2 by 2 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो एक स्क्वायर है तो ऑब्वियस है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर होता है, तो हम उसको सिर्फ 2 से ही डिनोट कर देंगे कि इसके जो ऑर्डर होगा वो 2 by 2 होगा, इसका 3 by 3 होगा। आपके सिलेबस में बस 2 और 3 वाले ही हैं, 4 by 4 वाला नहीं है, तो हम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आएगा, अपर ट्राइंगुलर, ठीक है। इसमें भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि ट्राइंगल एग्जैक्ट तभी बनेगा जब आपका डायगनल सीधा होगा। तो आप ये देखो, ये एक ट्राइंगल बन गया आपका। तो मैट्रिक्स इन विच अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स, ठीक है, ये एक डायगनल से लेके ऊपर तक का जो ट्राइंगल बनेगा वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो जो उसके इस डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे, राइट। तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जो डायगनल के ऊपर वाला ट्राइंगल है उसमें वो डायगनल और उसके ऊपर का जो पार्ट है उसमें जीरो हो भी सकता है या नहीं भी, बट उसके नीचे का ट्राइंगल जो है वो फॉर श्योर जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें 3 by 3 का मैट्रिक्स है ये। इसमें अगर हम डायगनल बनाएंगे तो ये एक डायगनल फॉर्म होगा, ये उसको मिला के ट्राइंगल बन गया हमारा। तो अपर ट्राइंगल में इसको छोड़ दो ऊपर वाले ट्राइंगल को, तो नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हैं, तो इसको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें कि डायगनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। तो ये भी एक आपका स्पेशल टाइप का ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अब इसके बाद है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो ये उसका ऑपोजिट है। आपके यहाँ पे आप जब स्क्वायर में डायगनल बनाओगे तो ट्राइंगल जो बनेगा नीचे वाला ट्राइंगल है उसको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, यानी डायगनल के अब ऊपर के एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है वो जीरो हो गया, और इसमें आप 3 by 3 के में अगर आप वो बनाते हो ट्राइंगल, तो आप नीचे का ट्राइंगल को हटा दो, डायगनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होंगे। तो नीचे क्योंकि सारे जीरो नहीं है इसीलिए हम इसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एंड द लास्ट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स सिंपल है, इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं, नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से। नल मैट्रिक्स का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी जो वैल्यूज हैं आपके एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक
ठीक है, और इसमें इसका स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। आप चाहे इसको कॉलम मैट्रिक्स ले लो, चाहे रो मैट्रिक्स ले लो, चाहे स्क्वायर लो, नॉन स्क्वायर हो, बस कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, तो वो नल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये आपका थ्योरी का पार्ट था, वो अगर आपका अच्छे से क्लियर होगा तो आपको आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो अब आप देखो, अब यहाँ से अब हम चीजें शुरू करेंगे सॉल्व करने वाली। इसमें है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि आपको दो मैट्रिसेस को इक्वल करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है, फॉर टू मैट्रिसेस टू बी इक्वल, पहला रिक्वायरमेंट है देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल। ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर ये आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, अभी आप ये देखो, मैं एक सेटअप लगाती हूँ मैट्रिक्स का, यहाँ पे 5 0 1 2 -3 6। ठीक है, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, कितने रोज हैं इसमें, 1 एंड 2। ठीक है, तो 2 रोज हो गए, 2 बाय कितने कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 बाय 3 है। ठीक है, अब मैं एक मैट्रिक्स बनाती हूँ जिसमें सेम एलिमेंट्स मैं रखूंगी, 5 0 1 2 -3 6। अब इस मैट्रिक्स का देखो, सेम अरेंजमेंट नहीं है, एलिमेंट्स सेम है लेकिन अरेंजमेंट, वहां पे आपके पास 2 रोज थी, यहाँ पे 3 रोज हो गई, तो ऑर्डर में 3 बाय 2। ठीक है, तो अब अगर ऐसे दो मैट्रिसेस हमारे आमने सामने आ जाए तो क्या हम उसको इक्वल बोल सकते हैं। आप देखो, इसमें एलिमेंट्स भी सेम डाले हैं मैंने, 5 0 1 2 -3 6, बट स्टिल दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स में कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पर देखो, इसका एड्रेस जो है वो A11 है और इसका A11 है, चलो आप इसको इक्वल कर सकते हो, बट आप जीरो को देखो, जीरो क्या है, A12, यहाँ पे वो A21 पे, तो आप इसको इसके इक्वेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैट्रिसेस में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक वो लेती हूँ, जैसे ये मैंने दिया A 2 3 एंड P, अब अगर मेरे को बोल दे कोई कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आप क्या करोगे यहाँ पे A, ठीक है, आप देखो ये इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका भी 2x2 है, तो इसका मतलब पहले पहले कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, द ऑर्डर शुड बी इक्वल। ठीक है, इक्वल होंगे तो उसके बाद आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल बोल सकते हो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर वो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं तो आप बोलोगे कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, और ये फिर से अगर हमें एलिमेंट्स को निकालना हो तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कि दोनों सेम पोजिशन पर है, तो आप यहां से लिख सकते हो A = 5। सिंस दीज टू मेट्रिसेज आर इक्वल, सो द एलिमेंट्स एट द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन विल बी सेम और इक्वल। तो ए के सामने 5 आएगा, यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो गया, ये 3 है ये 3 हो गया, तो इसका मतलब बी जो होगा वो इसके इक्वल होगा, तो यहां से आप लिख सकते हो B = 1, राइट। तो मैट्रिसेस की इक्वालिटी बहुत इजी टॉपिक है, इसमें सिर्फ आपको अगर आपको दिया है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो आप सिंपली कह सकते हो कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अभी हम इक्वालिटी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड A, U, X एंड Y इफ गिवन दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब इसमें भी वही है कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल है तो पहला केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे
इनका ऑर्डर सेम होगा, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इनका ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। दूसरा है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो अब इक्वल है तो मान लेते हैं कि दोनों कंडीशन सही होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब इक्वल हैं ये दो मैट्रिसेस, तो आप इस वाले रूल को यूज करके आप अपने वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, आप ये देखो एक्स जो है a11, उसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस पे कौन सा आ रहा है, -1, तो एक्स इज इक्वल टू -1। सिमिलरली यहाँ पे a है a12 प्लेस पे, और इस वाले में a12 पे 3 है, तो आप सिंपली उसको इक्वेट कर सकते हो, a विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, दिस इज a21, a21 इज u, और इस वाले में a21 पे है 2, तो यहाँ पे आप इसको इक्वेट कर दो, दिस इज u इज इक्वल टू 2। एंड द लास्ट इज y, y को आप कैसे करोगे, y a22 पोजीशन पे है, इसका a22 5 है, तो आप देख सकते हो y विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपके चारों एलिमेंट्स का वैल्यू आपने निकाल लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इक्वालिटी पे, ये थोड़ा सा उससे ऊपर का लेवल का होगा। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ओरली नहीं बता सकते कि किस एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, बट हम वही रूल लगाएंगे यहाँ पे कि दो एलिमेंट, दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए, तो आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लो, ये a11 है, इसका a11 ये है, तो आप यहाँ पे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अभी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, और दो वेरिएबल्स को आपको पता है सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं, तो अभी एक्स या वाई का वैल्यू यहाँ से नहीं निकल सकता सीधा, एक और इक्वेशन यहाँ पे एक्स और वाई की होगी, तभी हम एक्स और वाई को निकाल सकते हैं। आप नेक्स्ट यहाँ पे देखो a21, वहां पे हमें दिया हुआ है 2x-y, ये a21 इस मैट्रिक्स का है और यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पर आ रहा है 0, तो 2x-y जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आपके पास x और y के दो इक्वेशंस आ गए, अभी आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। आप देखो y के कोफिशियंट सेम है, इनका साइन भी सेम है, तो हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो एलिमिनेशन से y एलिमिनेट हो जाएगा, तो देखो ये एलिमिनेट हो गया, x माइनस 2x इज माइनस एक्स, -1 -0 इज -1, सो यू कैन से x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक वेरिएबल निकल गया, इसी दोनों में से एक इक्वेशन में डाल के आप y भी निकाल सकते हो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1, आप x का वैल्यू यहां डाल दो -1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2, राइट, दो वेरिएबल्स निकल गए क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशंस मिल गई हमने, तो हमने सॉल्व कर दिया। अब एक और वेरिएबल है हमारे पास z, आप इस वाले एलिमेंट को देखो 2x+z, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है दूसरे मैट्रिक्स में, 2x+z है, उसके मैट्रिक्स में 5 है, तो 2x+z इज इक्वल टू 5। अभी जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें z और w है, तो वो भी सॉल्व नहीं होगा। अब हमारे पास x है तो हम x को यहाँ डाल सकते हैं, 2 × x की वैल्यू है 1, तो आप z यहीं से निकाल लोगे, 2+z इज इक्वल टू 5।
तो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3। ठीक है, थर्ड वेरिएबल भी निकाल दिया हमने। अब लास्ट है a22 पे 3z प्लस w एंड दिस इज इक्वल टू 13। अब आप देखो w हमें नहीं पता बट z की वैल्यू हमारे पास ऊपर है, तो 3/3 + w इज इक्वल टू 13। सो 9 + w इज इक्वल टू 13, w हो जाएगा 13 - 9। ठीक है, तो ये चारों वेरिएबल्स का वैल्यू हमारे पास आ गया। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 4। ये हमारा सॉल्यूशन का सेट होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकालने आपको इक्वालिटी से बहुत इजीली हो जाएगा, इसमें कोई टफ क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आते। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें हम एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था उसका ऑर्डर आपको दिया होगा। तो आप देखो कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स को हम कैसे स्प्रेड करेंगे? ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है तो आप क्या करोगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया। 2x2 का मतलब दो रोज है यहाँ पे और दो ही कॉलम है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस दो हो गई और वर्टिकल भी दो होंगे। अब ये वाला जो एलिमेंट है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a11, दिस इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये तो आपका एक लेआउट हो गया कि हम मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे और कहाँ कहाँ पे एलिमेंट्स डालेंगे। अब आगे वो कह रहा है कि मैट्रिक्स ए जो फॉर्म करना है उसको हम ए आई जे से डिनोट कर रहे हैं, हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जो एलिमेंट्स की वैल्यू है ना वो इस फॉर्मूले से निकालनी है आपको, जो ए आई जे है वो इस रिलेशनशिप से निकलेगा। ठीक है, तो ए आई जे का मतलब आपका आई और जे उसके रोज और कॉलम्स को डिनोट करता है, तो उनके बीच में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने a11 लिया, तो इस फॉर्मूले में आप देखो आई a11 के लिए आई भी 1 है और जे भी 1 है। तो अब मैं इसका एलिमेंट का वैल्यू निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी, i+2j/2। ठीक है, अब ध्यान दो क्योंकि a11 है तो i भी 1 है, j भी 1 है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। i 1 है, देखो ना यहाँ i 1 है, j 1 है, तो आप i को 1 डालो, j को भी 1 डालो। अब इसको सॉल्व, 2 × 1 = 2 + 1 = 3 9/2। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल के दिखाऊंगी। अब आप पहले a12 का मतलब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो i की जगह पे 1 डालो, j की जगह पे 2 डालो, दिस अपॉन 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5² = 25/2। ठीक है, अब a21 में देखो i जो है वो 2 है और j 1 है, इस फॉर्मूले में i की जगह पे आप 2 डाल, i है ना पहले i है तो 2 डाल दिया, फिर 2j, तो 2j की जगह पे 1 raised to the power upon 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4² = 16/2, दैट इज 8। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है हमारे पास a22। a22 में हम वैल्यूज अगर डालेंगे तो a22 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे तो ये हो जाएगा
आई प्लस टू जे, यहाँ पे आई भी टू है जे भी टू है, तो टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ये क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हो गया 18। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो A11 का वैल्यू क्या है, 9/2, A12 A12 इज 25/2, A21, ठीक है, तो A21 यहां से आया था 8, और लास्ट में है A22 की जो वैल्यू आई है वो है 18। तो आपके चारों एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, अब आप इनकी प्लेसेस पे इनको डाल दो, A11 इज 9/2, तो इसकी जगह पे 9/2, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 कहाँ है, A12 इज 25/2, ठीक है। अब उसके बाद है A21, A21 का वैल्यू है 8 और A22 है 18, आपका मैट्रिक्स जो आपको बनाना था वो आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस में हम एडिशन और उसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट्स।